कानून तोड़ने के ऊपर है और अपना जंगल राज जो लोग बनाना चाहते हैं उसके अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी मरीज के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई उसके बिल्कुल लेके नहीं है। हमें कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो 100% 99% में भी नहीं, 100% में किसी भी रिक्वेस्ट का हर डॉक्टर उसमें पालन करता है। हेलो, ये उसका व्यावहारिक, एक हमारा प्रोफेशन ही एक व्यावहारिक प्रोफेशन है, इसके अंदर हम अलग नहीं बैठे हुए। हमें पता है कि वो मरीज है, एक परेशानी में आया हुआ है, तो उसकी हेल्प करने के लिए जो भी पॉसिबल रहता है हर डॉक्टर करता है। दिक्कत तब है कि जब कोई गिरेबान पकड़ के हमारे क्या कि यही करना है, अब इसमें कुछ भी नहीं और करना, हमें वहाँ दिक्कत। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन तंत्र है उसका तो कोई रोल ही नहीं रह गया। अब आप ही जो है वहाँ मुकदमा करोगे, आप ही जजमेंट सुनाओगे, आप ही उसको इम्प्लीमेंट कराओगे, तो ये तो पूरी कानून व्यवस्था को ही तोड़ के रख देने वाली बात है। तो हमारी लड़ाई केवल इससे और किसी चीज़ से नहीं है, नहीं तो इस चीज़ पे डॉक्टर कभी साथ नहीं आते। बिकॉज हर जगह अतुल प्रधान जी वहाँ पहुँच के वो बताते कि भाई ये बिल अब और नहीं देंगे, इतना ही काफ़ी। वो पहले दिन क्यों नहीं आते? पहले दिन ही आए, क्या कि भाई इतने सारे आयुष्मान अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है, हम अपने मरीज को वहाँ ले जाके भर्ती कराना चाहते हैं, हम यहाँ पे नहीं भर्ती कराना चाहते। लेकिन पहले दिन तो आज कदम की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि भाई मैं आपके एरिया का MLA हूँ, मैं आपको चलिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराता हूँ, आपका मरीज सीरियस है, वहाँ सुविधा भी बढ़िया है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आप पूरा इलाज कराओ फिर मेरे पास आओ, ताकि अब जो भी उसका बिल होगा हम वो मजबूर करेंगे अस्पताल को कि वो ना देना पड़े। हम इस कानून व्यवस्था को तोड़ने के खिलाफ हैं, हम किसी ना हम पेशेंट के अगेंस्ट से ना इलाज करने में। इस मरीज का भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके पैसे नहीं जमा थे, हमने एक बार भी ये नहीं हुआ कि हाँ भाई इसको हम जो है ना इलाज कम करें या इसकी दवा ना आए, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सारे डॉक्टर्स यहाँ एकत्रित केवल इसलिए हुए हैं कि हम जंगल राज नहीं चाहते कि जिसमें आके 40 लोग आए भीड़ तंत्र के अंदर और अपना मनवा के ज़बरदस्ती और मरीज को उठा के ले जाए। हम केवल और केवल इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। हमें आप हम अपने तो इतने माननीय केवल यही थोड़े अकेले हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर को और किसी से शिकायत नहीं, क्यों? क्या कभी कोई फ़ोन नहीं करता? क्या किसी और को कोई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन हर कोई ये कहता है अगर हम कम करते हैं फिर दोबारा उनका फ़ोन आएगा कि डॉक्टर साहब आपने कम कर दिया, लेकिन इस पे बेचारे पे भी इतना भी नहीं है, आप प्लीज़ इतने में कर दो। और वो 100% वो मैं मुझे तो अपने मरीजों का पता है, जितने में वो हो पाता है उतने में किया जाता है। इस पेशेंट में भी अगर वो इस तरह से कहते हैं कि डॉक्टर हमें इसको ये परेशानी है, आप प्लीज़ देखो, 100% हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट है वो इसको इसका पालन कर। मेरा एक छोटा सा सवाल, ये विवाद के मुख्य कारण क्या थे जो आज ये सड़कों पे डॉक्टरों को उतरना पड़ा? विवाद के मुख्य कारण यही थे कि वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और इस उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि योगी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा बनाने के लिए, सड़क पे आने के लिए कोई एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहूँ, धन्यवाद। हमारे सचिव साहब आइए, मुद्दा क्या है उनका इस पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।